एक अनूठी पहल के साथ सामाजिक सुधार का संदेश देती हुई साईं झूलेलाल धाम 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड भिलाई में एक अनोखे एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। आधुनिकता के दौर में आज हर व्यक्ति तनाव भरे वातावरण में रहने मजबूर है। इसी तनाव को अपने आसपास और अपने भीतर से खत्म करने के लिए समाज के सदस्यों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ जीवन जीने की राह पर चलने के लिए सन टू ह्यूमन फाउंडेशन के परमालय संस्था के द्वारा निःशुल्क शिविर का आयोजन हाउसिंग बोर्ड साईं झूलेलाल धाम परिसर में किया गया, जिससे कि शरीर को स्वस्थ रखकर आध्यात्मिक जगत से जुड़ाव कैसे पैदा किया जाए इसको विस्तार पूर्वक समझाया गया। नए दृष्टिकोण वाले शिविर में सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम, सम्यक ध्यान का प्रशिक्षण दिया गया। निरोग व नशा मुक्त रहने के लिए विशेष व्यायाम भी करवाए गए। अपनी कड़ी मेहनत से इस आयोजन के आयोजक आदर्श सिंध ब्रदर्स मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र कृष्णानी ने बताया कि यह शिविर व्यापक रूप से मिनी श्रीजम पद्मनापुर में दिनांक 18 जनवरी से 23 जनवरी तक भी आयोजित किया जा रहा है। जी, जय झूलेलाल। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कृष्णानी, अध्यक्ष आदर्श सिंध ब्रदर्स मंडल। हमने पिछले दिनों एक दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया, जो कि संत फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि आजकल के जो जनमानस में ये भावना फैल गई है कि हम लोग अपने शरीर को और आत्मा को एक दूसरे के साथ में संयमित नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आज सबसे बड़ा एक गलत साधन है मोबाइल, जिससे परिवार में हर कोई मोबाइल में ही लगा रहता है। माँ अपने बेटे से बात नहीं करती है, बेटा अपने पिता से बात नहीं करता है। इस प्रकार भीड़ में रहते हुए भी व्यक्ति जो है अकेला हो गया है, तो उनके अंदर में संवेदना जागृत करने के लिए और उनको शारीरिक रूप आत्मिक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और सम्यक ध्यान पर जोर दिया गया। इस व्यवस्था से मनुष्य के अंदर में भौतिक और बौद्धिक दोनों ऊर्जाएं आती है, जिससे वो अपना विकास कर सकता है और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। इस शिविर का उद्देश्य मात्र यही था। ये शिविर आने वाले 18 जनवरी से 23 जनवरी तक दुर्ग में आयोजित किया गया है, जिसमें निःशुल्क रूप से हर समाज के लोग भाग ले सकते हैं और अपने शरीर के ऊपर में ध्यान देकर उनको स्वस्थ बना सकते हैं। जय झूलेलाल। जी, मैं राजकुमार पिन्यानी, आदर्श सिंह ब्रदर महासचिव। और इस शिविर का जो उद्देश्य था मानसिक, मैंने जो महसूस किया कि इसमें जुड़ के बहुत ही आनंददायक रहा और बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। आगे भी ऐसा ध्यान बन रहा है कि हम आगे भी इस पर जुड़ के और एक मन की मजबूती के साथ जो खान शारीरिक, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक बहुत अच्छे से जीवन को अपन कर सकते हैं, एक लक्ष्य बनता है, ऐसी ध्यान है कि आगे भी हम इसको अटेंड करते हैं। जय साईं झूलेलाल। ये शिविर का उद्देश्य है कि हमारे हमारे मन को शांति मिलती है और इसे करने से बहुत हमें आनंद आता है और इसे करने से हमें बहुत आनंद आता है और मन को शांति मिलती है। इस शिविर में स्वास्थ्य वर्धक एवं भीतर की अदृश्य शक्तियों को जागृत करने हेतु मार्गदर्शन देकर गंभीर शारीरिक एवं मानसिक बीमारियां जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, अस्थमा, आर्थराइटिस, तनाव, डिप्रेशन, बेचैनी इत्यादि को ठीक किया जा सकता है। एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।